लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने स्टार्ट करवाया था फेज डायग्राम चैप्टर। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पास्ट पार्ट तो पढ़ाई था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस अपन ने सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में पढ़ा था, और सॉलिड फेज में कैसे सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन ने कुछ यूजफुल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो फेज डायग्राम में यूज होंगी उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि कंपोनेंट सिस्टम, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्युबिलिटी लिमिट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है फेज इक्विलिब्रियम के बारे में तो वो बता सकता है, थोड़ा सा भी आइडिया हो, या फिर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कोई दे सकता है, इक्विलिब्रियम होता क्या है वो बताए। स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस, विच टाइप ऑफ बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस सर? जिस टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फिर वो उसमें आ जाएगा। अगर थर्मल की बात, केमिकल बैलेंस होता है, केमिकल में तो केमिकल कंपोजिशन में होता है सर, उसमें फिर केमिकल कंपोजिशन में होता है, थर्मल में भी होता है। केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मल में भी होता है, थर्मल में टेम्परेचर सेम होता है। टेम्परेचर सेम हो, नहीं सुना है क्या? हाँ सर, हीट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, सुना ना? एक बार मैंने एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था उसमें जब इंटरव्यू देने गया था, पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। सर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए कोई सिस्टम को तीनों इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, मैकेनिकल, केमिकल और एक और वो होता है ना केमिकल, इन तीनों में। और जो थर्मल केमिकल और इक्विलिब्रियम केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, और तो सर वो तीनों में होगा तो ही वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैं बताऊं सर? बिल्कुल बताओ सर। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब सर बिल्कुल भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कोई डिराइविंग फोर्स का ट्रांसफर नहीं हो, जिससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ सर, का ट्रांसफर नहीं हो वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। हाँ सर, दो सिस्टम के बीच में कोई भी सर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है सर कुल मिला। तो आपने शायद मेरे ख्याल से वो नहीं पढ़ा है, आप लोग आपने क्या क्या बोलते हैं ये, हम आइसोथर्मल, आइसोट्रॉपिक पढ़ा ना सर, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब नहीं पढ़ा है, पढ़ा ना सर? फिर तो गलत बता रहे हो हेमंत आप सर। मतलब सर, मतलब किसी भी सिस्टम का सर टेम्परेचर चेंज टाइम के रेस्पेक्ट, अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर कांस्टेंट हीट, हीट कांस्टेंट रहता है तो वो कौन सा रहता है आपका? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक रहता है, एडियाबेटिक रहता है। अच्छा, व्हाट इज इट, उसमें जो हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो, हीट इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको एडियाबेटिक बोलते हैं। सर सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट तो एडियाबेटिक, आपके हिसाब से एडियाबेटिक इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है सर? ये सब तो प्रोसेस है सर, वो सब इक्विलिब्रियम थोड़ी ना सर, वो प्रोसेस है, वो साइकिल में होता है। नहीं सर, साइक्लिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्टडी को थोड़ा सा और ब्रॉड में लेके जाओगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अभी पूरी तरह से आपने आंसर सही नहीं दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो चीज आपने बिल्कुल बोली, पर हीट का मेरे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आपने शायद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ठीक से नहीं समझा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको क्लियरली ठीक से समझ नहीं पाया मेरे ख्याल से। बस मैं तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, जब अपन घास पे नंगे पांव चलते हैं
तो शुरू में जब ठंड में अगर चलते हैं घास पे तो घास बहुत ठंडी लगती है, बिल्कुल पेड़ में चुभन जैसी होती है। धीरे 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 आप कंटिन्यूस चलते जाते हो, 10-15 मिनट के बाद एक स्टेज आती है कि आप बिल्कुल उसमें नॉर्मल फील करते हो, उसमें कंटिन्यूस चलते जाते हो, फिर उसके बाद नॉर्मल फील करते हो। वो आपका एग्जाम्पल है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बात ही थर्मल इक्विलिब्रियम की करता है कि नहीं करता है सर। तो बेस्ट एग्जांपल है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। अगर अपन ठंड में घास पे नंगे पांव चल रहे हैं तो चलते जाते हैं तो एक धीरे धीरे क्या है कि हम उसकी स्टेज में आ जाते हैं, घास के टेम्परेचर की स्टेज में आ जाते हैं। तो उसके बाद अपन को नॉर्मल फील होने लगता है। एक बार करके देखना, आपको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज, अब चलते हैं मटेरियल साइंस में फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, सॉल्यूशन में कैसे होता है, सॉलिड में कितने नंबर ऑफ फेजेस पॉसिबल हैं, एक सॉलिड में नंबर ऑफ फेज पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हर मटेरियल का अलग अलग होता है। एग्जाम्पल मैंने अलॉय का लिया था, एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय लिया था। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों सॉलिड फेज में होते हैं, पर दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दो फेज कहा जाता है। तो फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू द सेट ऑफ कंडीशन वेयर मोर देन वन फेज में एग्जिस्ट। बिल्कुल अलॉय वाली बात हो रही है, यहाँ पे अलॉय की बात हो रही है। तो वहां पे एग्जिस्ट करता है फेज इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मोर देन वन फेजेस है एग्जिस्ट करते हैं। It can be reflected by constancy with the time in the phase characteristic of the system. ये time के साथ आपका change होता है। एक time पे phase equilibrium है, तो उस time पे composition क्या है material का, वो देखा जाता है। एक time के बाद, 2-3 घंटे के बाद, हो सकता है 3 घंटे के बाद फिर से equilibrium condition मिल सकती है हमें, 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद, कितने भी टाइम पे डिपेंडेंट है कि भाई कितने घंटे के बाद फिर से हमें मिलेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस बीच में इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि आपका वो मटेरियल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो एक टाइम पे आपको इक्विलिब्रियम में मिलता है, फिर उसके बाद हो सकता है 2-3 घंटे के बाद वही आपको उस टाइम पे कंपोजिशन क्या है, वो कंपोजिशन आपको इक्विलिब्रियम में मिले। इक्विलिब्रियम का मतलब तो आप लोग समझते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अपन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट बना रहे हैं तो दूसरा कंपोनेंट से वही सेम कंपोनेंट बना सके, उसी को ही अपन इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि बात की थी H2+O2 वाटर बनाता है, या फिर अपन बात करते हैं इसकी बात करें सिंपल, अभी H2O2 की बात नहीं करते हैं, अब अपन इतनी पोजीशन पे हैं कि अपन बात कर सकते हैं मटेरियल्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, अल्फा आयरन कांस्टेंट आपके कंपोजिशन में अल्फा आयरन गामा आस्टेनाइड बनाता है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये जो साइन बताता है वो इक्विलिब्रियम साइन बताता है, मतलब गामा आस्टेनाइड से भी अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो हमें अल्फा आयरन मिल सकता है, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम को फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हमें इक्विलिब्रियम फेजेस मिलते हैं। तो इसके बारे में ही अपन अभी पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम फेजेस। ठीक है, तो टाइम टू टाइम, और एक नेगेटिव बात फेज डायग्राम की यह है कि वहां पे टाइम इंक्लूड नहीं होता है, तो आप लोग उस एक टाइम इंस्टेंट पे आप पता कर सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम है, तो उस डायग्राम में ये नहीं पता कर सकते हो कि इसके 10 मिनट के बाद आपको मटेरियल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिपल टी डायग्राम, जिसको बोलते हैं टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट मिल गया फेज डायग्राम का, एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो उसमें टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, मतलब रेट के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, रेट कितने रेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, कितना मतलब कितने टाइम के लिए अपन को हीट ट्रीटमेंट के लिए रखना है मटेरियल को, फॉर गेटिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए अपन को ट्रिपल डायग्राम का हेल्प लेना पड़ता है।
In most metallurgical and material system, phase equilibrium involves just a solid phase, क्योंकि एक solid phase में ही number of phases possible हैं होते हैं. तो ऐसे तो कुछ और examples भी ऐसे हैं मैंने बताया था, जैसे कि oil और water का मैंने बताया था, दोनों liquid phase में होते हैं, पर दोनों को अलग अलग phase बोला जाएगा क्योंकि दोनों दोनों में आपका mix नहीं होते हैं. सॉलिड और लिक्विड आपको मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था, ऑयल और वाटर का एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें दो फेज, उसको अपन दो फेज सिस्टम कहेंगे क्योंकि वो है लिक्विड में पर दोनों के दोनों क्या है मिक्सिंग, दोनों मिक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए उनको दो टू फेज कहा जाता है. लिक्विड में भी टू फेज पॉसिबल है. तो मोस्टली किसमें आपको मिलता है, सॉलिड फेजेस में ये फेज इक्विलिब्रियम मिलता है. However, the state of equilibrium is never completely achieved because of the very slow rate. बिल्कुल ये चीज बहुत important point है, very slow rate. ठीक है, ये state, ये equilibrium आपका जो है very अगर slow rate में चलता है तो आपको वहां पे ये equilibrium condition नहीं मिल पाती है. क्यों? क्योंकि environmental condition की वजह से, ये metallurgical and environmental condition. एनवायरमेंटल कंडीशन में जो और मेटलर्जिकल कंडीशन की वजह से ये स्लो रेट में टेम्परेचर का इफेक्ट होने लगता है. जैसे धीरे धीरे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल का तो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट आ जाता है. अगर फास्ट वे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट उतना नहीं होता है. इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है जब स्लो रेट ऑफ स्लो रेट होता है आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन का स्लो रेट होता है तो हमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीटली नहीं मिल पाता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट होता है मेटलर्जिकल कंडीशन में. एक मेटलर्जिकल कंडीशन होती है कि भाई इतने टेम्परेचर तक ही वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम नहीं रह सकता मटेरियल. ठीक है, तो टेम्परेचर पे और उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि मटेरियल आपका इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है. तो स्लो रेट उसके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फास्ट रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. दिस लीड्स टू नॉन इक्विलिब्रियम, उसको अपन नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर मेटास्टेबल स्टेट भी कहा जाता है. नॉन इक्विलिब्रियम या फिर मैं दो ही केस पॉसिबल है, एक तो इक्विलिब्रियम, दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम. नॉन इक्विलिब्रियम को अपन क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट. ये आएगा, आगे टॉपिक आएगा, इसको पढ़ाया जाएगा मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है. ठीक है, वो कहाँ पढ़ेंगे, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फेज डायग्राम. इसके बाद टॉपिक आएगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपको मेटा स्टेबल स्टेट आपको मिलेगी. ठीक है, which may persist indefinitely and of course has more practical significance than the equilibrium phases. तो जरूरी नहीं है कि equilibrium हमेशा आपका जो system है equilibrium में हो, non equilibrium में या फिर metastable condition में भी हो सकता है, जैसे कि अपन को iron carbon diagram में देखने को मिलेगा आगे चल के. तो वो सबसे most practical significance होगा उसका as compared to equilibrium phases. ठीक है, उसी में ही अपन को क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा, देखिए ये क्यों नॉन इक्विलिब्रियम हो रहा है, मेटास्टेबल में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें रेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मतलब टाइम की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती है. फेज डायग्राम में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये स्लो रेट में है अप्रोच हो रहा है कि फास्ट रेट में अप्रोच हो रहा है. तो इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा जानना हो जाता है कि किस रेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सॉलिड सिस्टम कैन बी रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर. माइक्रोस्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और फेज प्रेजेंट, कौन से फेजेस प्रेजेंट हैं और उनके कंपोजिशन. ठीक है, इसके कंपोजिशन पे डिपेंड, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल इक्विलिब्रियम में है कि कंडीशन में है कि नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं गिब्स फेज रूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स फेज रूल. आपको अलग से एग्जांपल्स भी आ सकते हैं निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब क्या है कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स कौन से इंक्लूड होते हैं, ये क्यों गिब्स फेज रूल क्यों बनाया गया है, हमें ये जानना है. आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक सिस्टम में कितने, ये आपका जो मटेरियल है
मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं फॉर गेटिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टी, हमें वो बताता है, फेज रूल बताता है। ठीक है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में क्या बताता है, नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसमें आपके कितने फेजेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है फॉर गेटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन एफ से डिनोट करते हैं, P को किससे डिनोट करते हैं, फेस को P से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड द टू एक्सटर्नल वेरिएबल नेमली टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वेरिएबल होते ही हैं एनवायरमेंट में हमेशा, अलोंग विद द इंटरनल वेरिएबल सच एज द कंपोजिशन, नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अमंग दिस गिव्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाई ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही तो बताएंगे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये सब चीजें फाइनली ये आपको, ये है आपका गिब्स फेज रूल, पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, विच इज नोन एज गिब्स फेज रूल। द डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी लेस देन जीरो, ये जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल हो नहीं सकता, जीरो हो सकता है पर जीरो भी होता है कुछ, आपको ये थर्मोडाइनेमिक्स में पता चल जाएगा कि कहाँ जीरो होता है कहाँ जीरो नहीं होता है। ये आप लोग क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ये सब पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा, गिब्स फेज रूल का टॉपिक आएगा। एक चैप्टर है आपका प्योर सब्सटेंस, उसमें ये आपको टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी लेस देन जीरो, सो दैट वी हैव एन अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम फॉर द गिवन सिस्टम। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वैलिड है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हमें टू फेज सिस्टम बनाना है तो उसके लिए कितने वेरिएबल चाहिए, तीन फेज, थ्री फेज सिस्टम चाहिए तो चाहिए तो उसके लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, एक सॉलिड सॉलिड में आपके कितने फेजेस पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके पहले से ही डिसाइडेड हो तो। कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर द फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स फील्ड प्रेशर कैन बी कंसीडर्ड एज द कांस्टेंट एंड दस द कंडेंस्ड फेज्ड रूल इज गिवन बिलो। ये आपका कंडेंस्ड गिवन रूल है। एक्चुअली क्या होता है, अपन एनवायरमेंटल कंडीशन पे हम काम करते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ ना कुछ मेटलर्जिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हर एक मटेरियल की एक मेटलर्जिकल कंडीशन होती है कि इतने टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर सकता है ये मटेरियल। तो आपका हम जितने भी एनालिसिस करते हैं वो एनवायरमेंट में करके करते हैं, तो वहां पे आपका प्रेशर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं वन एटमोसफियर, बोलते हैं वन एटमोसफियर। और इवन अपन मैक्सिमम फेज डायग्राम जो भी पढ़ेंगे वो दो फेजेस में पढ़ेंगे, एक तो सॉलिड दूसरा लिक्विड, गैसियस फेज में अपन नहीं जाएंगे। तो दो फेजेस में अपन बात करते हैं, एक तो आपका सॉलिड दूसरा लिक्विड, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं वन एटमोसफियर। गैसियस फेज में आपका प्रेशर चेंज करता है। तो जब गैसियस फेज की बात करेंगे, थ्री फेज की बात करेंगे, तब अपन वहां पे ये वाला रूल लगाएंगे, पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पे प्रेशर एक कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड में आपका प्रेशर एनवायरमेंट प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं वन एटमॉस्फेयर। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला प्रेफर कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप दोनों फॉर्मूले कहां से ले रहे हो बेटा, ये ड्राइव नहीं हुए ये फॉर्मूले, ये गिब्स ने अपना इक्वेशन दी है एक्सपेरिमेंट करके एम्पेरिकल रिलेशन दिया है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। ये डिराइव्ड रिलेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड रिलेशन है ये। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल के आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमेशा जब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करो तो हमेशा यही वाला इक्वेशन आपको लेना होगा। ये इक्वेशन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रहना। ठीक है,
ये सिर्फ बताने के लिए है कि जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे अपन ये इक्वेशन प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पे अपन थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा यही वाला फॉर्मूला प्रिफर करना है, और गिब्स फेज रूल हर जगह अब वैलिड नहीं होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे गिब्स फेज रूल गलत रिजल्ट देता है, वो चीज आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ पे नहीं आपको बता सकता। कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि ट्रिपल पॉइंट है या फिर आपका क्रिटिकल पॉइंट, हाँ आपका जो जहाँ पे फेस चेंज होता है, फेस चेंज होता है, जैसे कि अपन एक डोम पढ़ते हैं, ऐसा डोम होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस स्टेट होता है और यहाँ पे गैसियस स्टेट होता है। तो जहाँ ये लिक्विड प्लस गैसियस स्टेट जहाँ पे होता है, यहाँ पे गिब्स फेज रूल फॉलो नहीं करता, रूल गलत रीडिंग देता है, ठीक है। तो ये चीज आप प्योर सस्पेंस में आगे चल के पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो अभी अपन थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे अपन इतना, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम को ही ले लेते हैं। जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम में अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे आप निकालिए, मैं थोड़ा इसको आयरन कार्बन डायग्राम की ओर चल रहा हूं, अगर मैं बोलूं आप लोगों को कुछ अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये आयरन कार्बन डायग्राम है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे इसको। अब मेरे को बताना ये है कि ये इस वाले फेज पे आप बताइए कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे। कहाँ सर? ये मैंने आप हाईलाइट किया है, दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये निकालना है। कितने फेजेस हैं इसमें, इसमें कितने फेजेस हैं कोई बताएगा? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। इसमें कितने फेजेस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं? हेमंत, 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 आर यू देयर? कार्तिक, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर आवाज आपकी। तो फिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सभी लोग अनम्यूट कर दी सर, हेमंत के अनम्यूट नहीं हो पा रहा, उसने आंसर दे दिया चैट बॉक्स में। तो कितने फेज है कोई बताएगा? कितने फेज है? दो फेज। कितने कंपोनेंट हैं? कितने कंपोनेंट हैं? तीन है सर। तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से? तीन कंपोनेंट है, पता नहीं सर, शायद दो भी हो सकते हैं। ये कौन सा डायग्राम है? आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम। दो कंपोनेंट है सर, दो कंपोनेंट, Fe एंड C। अल्फा जो है, अल्फा भी आयरन होता है, ये जैसे Fe आयरन है ना, वैसे अल्फा भी आयरन हाँ। होता है। तो ये दो कंपोनेंट है, दो फेज सिस्टम है, दो फेज हैं, या इस वाले पे कितने दो फेज हैं और दो कंपोनेंट हैं। तो आप लगाइए फॉर्मूला, कितना आंसर है इस पे लगाना फॉर्मूला, क्योंकि इस पे लगाना है फॉर्मूला। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो आपको फेज आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए है बना है, ठीक है। फ्रीडम तो टू आ जाएगा सर, फ्रीडम
है? फ्रीडम तो टू आ जाएगा सर। यहाँ पे दो फुट करो, यहाँ पे दो फुट करो, कितना आंसर आएगा? यहाँ पे वन वन आएगा, यहाँ तो वन आएगा ना। तो एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है आपको आयरन कार्बन डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है? आया समझ में? ऐसे ही इधर इधर देखो सर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये कैसे पता चल रहा है? ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए बना है ना, ये फेज डायग्राम जो बनता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए बनता है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे बनता है, ठीक है? आप यहाँ पे लगाएंगे तब भी गलत नहीं होगा आपका आंसर, आपका आंसर गलत नहीं होगा ना सर। इसमें तो टू आएगा सर, टू आएगा। आप ऊपर रेफरेंस कौन सा डाल रहे हो, पी प्लस है ऊपर लिखोगे ना, ये भी गलत थोड़ी है। आपको मान लो आपको नहीं पता है भाई, आपको मान लो आपको नहीं पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए बन रहा है, तो आप इधर पे इसमें भी लगा देंगे, तो आपका आंसर जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अगर इस इक्वेशन से भी आंसर निकाल के आएंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। पर ये चीज कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ध्यान देने की होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, मटेरियल साइंस में अगर ये क्वेश्चन आता है वो फेज डायग्राम में पूछा जाता है कि आपको गैस फेज रूल लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये इक्वेशन लगानी होगी। उसमें आपको आंसर इससे रिलेटेड भी मिलेगा, मतलब टू भी मिलेगा, वन भी मिलेगा, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वन होगा। आया समझ में? सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही रहता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे आपका मटेरियल साइंस में, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन होता है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया कि जितने भी फेज डायग्राम बने हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे बने हैं, ठीक है? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में बने हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, फेज डायग्राम से रिलेटेड आपको अगर आ रहा है तो आपको पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन इक्वेशन लगानी है, ठीक है ना? आया समझ में? मतलब यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं? एक तो कंपोजिशन दिख रहा है और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर और कंपोजिशन डायग्राम, और इसमें प्रेशर इसी में ही इंक्लूड है, इसी में ही इंक्लूड है, नहीं तो प्रेशर भी नहीं आ जाता यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये बनाए हुए हैं। अब इसकी बात करें इधर, इसकी अब इसका बताइए, इस पॉइंट पे मतलब ये वाले रीजन में, ये वाले पूरे रीजन में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड, मतलब कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल का मास्टेनाइट? इसमें फेजेस कितने हैं? एक। इसमें फेजेस कितने हैं? एक। और कंपोनेंट कितने हैं? दो। कंपोनेंट कौन से कौन से? एक तो आयरन, दूसरा कार्बन। क्यों? देखिए आयरन और कार्बन दो क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये आयरन का कंपोजिशन, ये आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंपोजिशन किसका किसका बता रहा है? कार्बन का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? कंपोजिशन किसके हैं? कार्बन के हैं। तो ये गामा एस्टेनाइट यहाँ पे है, यहाँ पे गामा एस्टेनाइट नीचे लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो वन से कम आपका कितना कार्बन है, तो बाकी कितना होगा? आयरन होगा। तो कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट, और एक फेज हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकलेगी इसकी? टू निकलेगी। कांस्टेंट के लिए तो टू निकलेगी। देखो यहाँ पे लिखो कितना, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? टू। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक बार वो ग्राफ में आपने बताया ना कि वो फेस और कंपोनेंट के बारे में, वो वापस बताना सर। फेस और कंपोनेंट मतलब? मतलब सर अभी आप बता रहे थे ना कि हाँ, नीचे लेके गया था मैं इसको। हाँ गामा एस्टेनाइट की बात कर रहे हो ना भाई, ये पॉइंट लिया मान लो, कोई भी एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक है? इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट पे मैंने को कंपोजिशन पता करना है, तो कंपोजिशन कहाँ है? नीचे एक्स एक्सिस पे, तो इसको नीचे वर्टिकली लेके जाऊंगा, वर्टिकली लेके जाऊंगा, तो हमें मेरे को क्या मिलेगा? ये कंपोजिशन मिल गया। इधर क्या मिलेगा अपन को? कार्बन परसेंटेज, मान लीजिए कार्बन परसेंटेज 0.5 मिला है, तो आयरन कितना होगा इसमें? 99.5। तो एस्टेनाइट में आपको ये पॉइंट कौन सा है? एस्टेनाइट। एस्टेनाइट में इस पॉइंट पे इतने टेम्परेचर पे आपको क्या क्या, इतने टेम्परेचर पे कितना है आपका, सॉरी इतने टेम्परेचर पे कौन से कंपोनेंट है? एक तो 99.5% आपका क्या है?
99.5% आयरन है और 0.5% कार्बन है। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर मतलब कितना अराउंड मेरे को दिख रहा है, 1000 से ऊपर दिख रहा है मेरे को, 800-1000 मतलब बीच में 900 आएगा, तो ये 1100 है, तो 1050 मान लीजिए, 1050 टेम्परेचर पे इस पॉइंट पे आपको कंपोजिशन कितना मिल रहा है, 99.5% आपको आयरन और 0.5% कितना मिल रहा है कार्बन मिल रहा है। तो ये आपका ये पूरा रीजन कौन सा है, आपका गामा एस्टेनाइट रीजन है। तो गामा एस्टेनाइट रीजन पे अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग कंपोजिशन मिलेंगी, पर हर पॉइंट पे आपको ये पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर पॉइंट पे सेम रहेगा जब तक ये एक ही फेज बता रहा है। ये देखिए ये पूरा ये वाले रीजन पे एक ही फेज है, यहाँ पे दो फेज है, यहाँ पे दो फेज है, इधर आपका एक फेज है, इधर एक फेज है, जहां पे भी दो फेज है आपको, या जहां पे भी गामा एस्टेनाइट का एक फेज है वहां पे हर जगह आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा समझ में? छोड़ दें इसको, ये इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम बाद में आएगा फिर से, अभी बस एक एग्जांपल लेने के लिए, गैस फेज रूल का एग्जांपल लेने के लिए मैंने आयरन कार्बन डायग्राम को प्रेफर किया था। अब आते हैं अपन कंपाउंड पे, कंपाउंड क्या होते हैं कोई बताएगा? कंपाउंड क्या होते हैं? अरे ये तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं। अटेंडेंस लगा लीजिए पहले तो आप लोग, अटेंडेंस लगाइए सब लोग पहले। बेटा थोड़ा जल्दी, अभी 17 लोगों ने लगाया, 19 लोग हैं, नाम ले लूं क्या मैं? हेमंत, जसवंत, विनोद, मनराज, सुमित, सोनू, खुशीराम, कृष्णा, अंकित, कार्तिक यादव, धैर्य, भूपेश, दीपचंद, भावना, ललित, आशीष, रोल नंबर 4, विश्वजीत, नवीन, बलराम, कोई छूट गया हो तो अभी भी लिख दे। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? जब भी दो मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है, इंडिविजुअल मटेरियल को कंबाइन किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया है किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं किससे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द टू डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। अभी बात अपन मटेरियल की कर रहे हैं, एग्जांपल मैंने तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लिया है। तो जब भी व्हेन टू मटेरियल कंबाइन टुगेदर इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल मटेरियल लूजेस देयर एग्जिस्टेंस, मतलब उसका जो इंडिविजुअल मटेरियल का एग्जिस्टेंस आपका खत्म हो जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम का हमेशा एग्जाम लेता हूँ, एल्यूमिनियम अलॉय का एग्जाम्पल लेता हूँ हमेशा, तो प्योर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेंगी और प्योर आपको एल्यूमिनियम एंड कॉपर अलॉय की प्रॉपर्टी आपको दूसरी मिलेंगी। तो जब अपन एल्यूमिनियम में कॉपर को एड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो उसकी आपका जो आपको और किसकी एल्यूमिनियम कॉपर की जो प्रॉपर्टी मिलेंगी वो आपको डिफर करेंगी किससे, एल्यूमिनियम से एंड कॉपर से। एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंडिविजुअली। ये वर्ड आपका एक में ये वर्ड बहुत ज्यादा कुछ बता रहा है कि इंडिविजुअली वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअली तो ये अलग अलग डिफर कर रही हैं, पर दोनों साथ में मिलके तो वाटर तो बनाएंगी। सो H2O इज अ कंपाउंड। ठीक है, अब आप मेरे को फिर से ज्वाइन करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा और मेरे को पढ़ाना है आप लोगों को, बहुत टाइम से क्लास नहीं हुई है। जी सर। तो अभी फिर से मेरे को ज्वाइन करेंगे, 5-10 मिनट पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और सुनिए आप लोग, मैंने आप लोगों के YouTube पे वीडियो डाल दिए हैं, शायद पूरे ही डाल दिए हैं मैंने, तो आप लोग अब वो लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो प्रेफर कर सकते हैं, जो भी लेक्चर आपका छूट गया है वो आप पढ़ सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए ज्वाइन कीजिए मेरे को। लिंक क्लासरूम पे है क्या?